गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर पे सेफ एंड सुरक्षित हैं और ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक से रिवाइज कर रहे हैं वीडियोस को। इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो में हम एक प्रकार की एंटिटी जिसको टैक्स हेवन्स कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आप अगर इसकी स्पेलिंग पर ध्यान देंगे तो ये टैक्स हेवन्स नहीं, टैक्स हेवन्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। आइए, टैक्स हेवन और ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर इज एनी कंट्री और ज्यूरिसडिक्शन दैट ऑफर्स मिनिमल टैक्स लायबिलिटी टू फॉरेन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। टैक्स हेवन डू नॉट रिक्वायर बिजनेस टू ऑपरेट आउट ऑफ देयर कंट्री और इंडिविजुअल्स टू रिसाइड इन देयर कंट्री टू रिसीव टैक्स बेनिफिट्स। इन सब से क्या मतलब हुआ माय फ्रेंड्स? टैक्स हेवन एक ऐसा कंट्री, एक आइलैंड या ज्यूरिसडिक्शन होता है जहाँ पे टैक्स रेट जो होता है ना वो बहुत ही लो होता है। और ये लो टैक्स रेट करने के पीछे ऐसे ज्यूरिसडिक्शन का ये मकसद या ये मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल कैपिटल इनकी कंट्री में फ़्लो करे और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस इनकी कंट्रीज़ में खुले, सो दैट उनको फ़ायदा हो। अब बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको बिज़नेस खोलना है कहीं पे और आपके पास दो कंट्री के ऑप्शन है, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है इनकम पे और दूसरी जहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम है, तो आप डेफिनेटली उस कंट्री को चूज़ करेंगे, ऐसी ज्यूरिसडिक्शन को चूज़ करेंगे जहाँ पे टैक्स रेट बहुत लो हो या बहुत या फिर ज़ीरो हो। सो जो टैक्स हेवन्स होते हैं ये ऐसी ही कंट्री या ज्यूरिसडिक्शन होते हैं जो कि नए बिजनेसेस या बिजनेसेस खोलने पे बहुत कम टैक्स रेट चार्ज करते हैं। और इनका मोटिव एक होता है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस खोले ताकि उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके। इन ऑर्डर टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ टैक्स हेवन वन जस्ट नीड टू बी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन दैट ज्यूरिसडिक्शन। अब ऐसा नहीं है कि हमको वहाँ उस कंट्री के टैक्स रेट का फ़ायदा उठाने के लिए वहीं पे ऑफिस या वहीं पे बिल्डिंग या फैक्ट्री खोलनी है, नहीं, आप रजिस्टर वहाँ करा लो। फॉर एन एग्जाम्पल, केमैन आइलैंड एक टैक्स हेवन है, ठीक है। अब अगर हम मुझे वहाँ के टैक्स रेट्स का फ़ायदा उठाना है तो मैं क्या करूँगी, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है ना वो तो कराऊँगी केमैन आइलैंड में और उसकी सब्सिडरी खोल दूँगी इंडिया में, ठीक है। तो अब जो वो प्रॉफिट्स होंगे ना इंडिया में वो कहाँ पे सारे जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे मेन कंपनी को जो जिसकी मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग है जो कि केमैन आइलैंड में। और टैक्स रेट किस रेट से चार्ज होगा, जो केमैन आइलैंड में प्रिवेलिंग टैक्स रेट है। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया में जहाँ हाई टैक्स रेट था मैं उससे बच रही हूँ और सारा प्रॉफिट वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ केमैन आइलैंड में, और वहाँ पे जो बहुत ही मिनिमल या नॉमिनल सा टैक्स रेट है वो पे करके सारा प्रॉफिट अपने पास रख रही हूँ। तो अब आपको आई होप समझ आया होगा कि टैक्स हेवन्स का पर्पस क्या होता है और वो कैसे वर्क करते हैं। बस आप अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ करा लो कि ये सो एन ABC लिमिटेड जो है इनकॉर्पोरेट हुई है केमैन आइलैंड्स में, और वर्क जो उसका एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है या जो भी कंपनी वो काम करना चाहती है वो दूसरी कंट्री में है। अ टैक्स हेवन ऑल्सो टिपिकली लिमिट्स पब्लिक डिस्क्लोजर अबाउट द कंपनीज एंड देयर ओनर्स। टैक्स हेवन्स की ना एक और ख़ास बात होती है, वो ये होती है कि जब भी कोई दूसरी गवर्नमेंट अप्रोच करती है, मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट ने केमैन आइलैंड गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हमें ABC लिमिटेड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दे दीजिए, इनकी IT रिटर्न दे दीजिए, तो टैक्स हेवन्स ये चीज़ें आसानी से डिस्क्लोज़ नहीं करती हैं। यही तो फ़ायदा वो दे रही हैं, तभी तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं वहाँ पर अपनी कंपनीज रजिस्टर करने के लिए। अगर ये आसानी से दे देती तो वहाँ के लॉज भी तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गए ना इंडिया के जैसे। अब इंडियन लोग स्विट्ज़रलैंड में के बैंक अकाउंट्स में अपने पैसे क्यों डिपॉजिट कराना पसंद करते हैं, वो रीज़न क्या है, क्योंकि जो स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट है या स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स हैं वो ईज़िली दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं देती है बैंक होल्डर्स या अकाउंट होल्डर्स के बारे में। एंड सेम इज़ द केस विद टैक्स हेवन्स, जो ये लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं जो भी कंपनीज़ वहाँ पे खुलती है उनके बारे में और उनके ओनर्स कौन कौन है उसके बारे में, बिकॉज इन्फॉर्मेशन कैन बी हार्ड टू एक्सट्रैक्ट। टैक्स हेवन्स आर समटाइम ऑल्सो कॉल्ड सीक्रेसी ज्यूरिसडिक्शन। अब मान लीजिए मेरे पास बहुत ब्लैक मनी पड़ा है, ठीक है, और मैं यहाँ इंडियन गवर्नमेंट को वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, अब तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं केमैन आइलैंड जाऊँगी, वहाँ पे कंपनी खोलूँगी, वहाँ से मैं इस तरीके से दिखाऊँगी कि कंपनी मेरी रजिस्टर्ड यहाँ है और उसकी सब्सिडरी इंडिया में है।
तो अब जब इंडियन गवर्नमेंट को पता लगाना होगा कि इसके ओनर्स कौन है, तो वो केमेन आइलैंड गवर्नमेंट के पास जाएगी और ये गवर्नमेंट मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगी। तो इससे क्या हुआ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि मेरा जो ब्लैक मनी है वो एक तरीके से चैनलाइज होकर इंडिया में वाइट मनी में कन्वर्ट हो गया है। तो टैक्स हेवन्स को लोग या बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए या हाई टैक्स रेट से बचने के लिए यूज़ करते हैं। आइए चलते हैं अब हम नेक्स्ट, जिसमें है क्राइटेरिया फॉर टैक्स हेवन। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको हर टैक्स हेवन के कुछ ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ नो और नॉमिनल टैक्स और ऑन रेलिवेंट इनकम, या तो टैक्स रेट ज़ीरो होगा या बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर ज्यूरिसडिक्शन जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टैक्स रेट होता है। लैक ऑफ इफ़ेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इन्फॉर्मेशन देती ही नहीं है और देगी भी तो बहुत ही मुश्किल से देगी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, कितनी रिटर्न देनी है, कितना पैसा आया, वहाँ की गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं होता इन चीज़ों से। उनका मेन मोटिव यही होता है कि मैक्सिमम कैपिटल का इनफ्लो हो उनकी ज्यूरिसडिक्शन में, ताकि वहाँ पे जो आसपास लोग हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। मान लीजिए मैंने एक कंपनी खोली, रजिस्टर्ड ऑफिस खोला उसका केमेन आइलैंड में, अब मैं वहाँ पे कुछ तो छोटा सा एक कमरा तो डालूंगी ना, और उस कमरे को डालने के लिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का यूज़ करूँगी। तो क्या हुआ, वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिला। अब मैंने एक छोटे से कमरे जितना ऑफिस खोला है तो उसमें एक मैनेजर भी बिठाऊँगी या एक चौकीदार तो बिठाऊँगी, तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स हेवन्स, ट्रांसपेरेंसी पे भी ज़ीरो फोकस होता है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता इन चीज़ों से। ना उनको इनकम टैक्स रिटर्न्स चाहिए, ना उनको ये चाहिए कि ठीक से टैक्स की फाइलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। एक ही मकसद है कि मैक्सिमम कैपिटल इनफ्लो हो ताकि उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके। लास्ट जो क्राइटेरिया है, नो सब्सटैंशियल एक्टिविटीज़। यस, बिल्कुल सही है। अगर आप देख रहे होगे तो मैं वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रही हूँ, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी नहीं हो रही है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो मेरे डोमेस्टिक, मेरे सोर्स कंट्री में हो रही है। वहाँ तो मैंने सिर्फ टैक्स से बचने के लिए एक ऑफिस खोल दिया है या अपने ऑफिस का रजिस्ट्रेशन करा दिया है। सो देर आर नो सब्सटैंशियल एक्टिविटीज़ इन द jurisdiction of tax havens। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें बात करी गई है बेनिफिट्स के बारे में। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं टैक्स हेवन खोलने के, आप सोचिए। देखिए, सबसे पहले तो जो जिसके पास ब्लैक मनी है उसके लिए तो बहुत फ़ायदा है कि उसके पैसे जो अंदर पड़े थे, जिसको आज तक वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे, वो अब उसका भरपूर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। कैसे, यहाँ से अपना मनी वहाँ भेज के, और उसको जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो वो सारा जो मनी है वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एज़ अ इंडिविजुअल और बिजनेस, मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। ये देखिए, इंडिविजुअल और बिजनेसेस बेनिफिट बाय सेविंग टैक्स, और ऑब्वियसली जो अगर मैंने कंपनी खोली है वहाँ पे, तो मेरी सारे प्रॉफिट्स उस कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो मुझे टैक्स रेट्स की भी तो, टैक्स की भी तो सेविंग हो रही है। इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है। हम सब यही तो कोशिश करते रहते हैं कि हमारे को कम से कम टैक्स पे करना पड़े गवर्नमेंट को। सो इंडिविजुअल और बिजनेस बेनिफिट बाय सेविंग टैक्स, विच इन टैक्स हेवन कंट्रीज में रेंज फ्रॉम जीरो टू लो सिंगल डिजिट्स कंपेयर टू हाई टैक्सेज इन देयर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। भाई, टैक्स कम देना पड़ेगा, 0% से देना पड़ेगा, या अगर होगा भी तो 1-2% होगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल सा टैक्स रेट है। अब इतना तो देना पड़ता भी है, वहाँ की गवर्नमेंट भी तो कुछ तो अपने रेवेन्यू का सोर्स चालू करेगी ना। सो सेकेंड पॉइंट इज टैक्स हेवन कंट्रीज बेनिफिट बाई वे ऑफ अट्रैक्टिंग कैपिटल टू देयर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, विच कैन देन बी यूज टू बिल्ड अ थ्राइविंग फाइनेंशियल सेक्टर। अब आप क्या कर रहे थे, यहाँ से आप बैठे इंडिया में, ठीक है, आपने अपना मनी ट्रांसफ़र कर दिया किसी ना किसी तरीके से केमेन आइलैंड के बैंक में, क्योंकि आपको वहाँ पे कंपनी ओपन करनी थी, रजिस्ट्रेशन दिखाना था। तो एक बार तो मनी का इनफ्लो हुआ ना केमेन आइलैंड बैंक में, अब इस बैंक, इस मनी को यूज़ करके वहाँ के जो बैंक्स हैं वो लोन एक्सटेंड करेंगे वहाँ के लोकल पीपल को। सो और उससे क्या होगा, आगे डेवलपमेंट होगा। तो टैक्स हेवन
कंट्रीज़ जो होती हैं उनको ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर वो कम टैक्स रेट दें और ट्रांसपेरेंसी इतनी ना हो तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे उनके यहाँ अपने ऑफिसेज खोलने में. सो ये दो बेनिफिट्स थे हमारे टैक्स हेवन के. चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे जिसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि हमारे वर्ल्ड में कौन से टैक्स हेवन्स हैं. एक तो हो गया हमारा मॉरिशस जो हम बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छे बीचेस हैं वहाँ के. और देख लेते हैं कौन सा जी, नेदरलैंड्स जो कि एक यूरोप में कंट्री है बहुत सुंदर, लक्जमबर्ग, हांगकांग हो गया एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल सेंटर है. हमने अभी पिछली स्लाइड में भी पढ़ा कि वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा मनी का इनफ्लो होता है तो वो कंट्रीज़ अक्सर एक अच्छे फाइनेंशियल हब या फाइनेंशियल सेंटर में कन्वर्ट हो जाती है. सिंगापुर अगेन एक बहुत ही फैंटास्टिक एग्जाम्पल है इसका. इट्स अ वेरी मेजर फाइनेंशियल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. फिर यूएई हो गया जो हमारा, फिर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हो गए, बर्मुडा, केमन आइलैंड्स जो मैंने आपको पढ़ाया, स्विट्ज़रलैंड, ये हम सबका टॉप फेवरेट रहता है. सब हमारे ब्लैक जितने भी पॉलिटिशियंस हो गए या जितने भी बड़े एक्टर्स हो गए ये अपने छोटे मोटे अकाउंट स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स में खुलवा ही देते हैं अक्सर. तो आई होप माई फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टैक्स हेवन्स क्या होते हैं और इसको लोग कैसे यूटिलाइज़ करते हैं. अब आप ये मत बोलिएगा कि मैंने आपको सिखाया कैसे यूटिलाइजेशन होता है. कहीं आप बोले जी हमारे तो वीडियो में ही सिखाया गया था कि टैक्स हेवन्स को हम कैसे यूज़ करके मनी को ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. नहीं, ऐसा होता है, मैंने जस्ट आपको उतनी सी बात पढ़ाई है. सो बस आज के लिए इतना ही. कीप फिट, की स्टे एट होम, कीप रिवाइजिंग द वीडियोज़. सो थैंक यू सो मच माई फ्रेंड.